सवारियों का काफिला और समर्थकों का हुजूम। ये पहलवान से नेता बनी विनेश फोगाट के नामांकन का जुलूस है। विनेश का ये जुलूस जुलाना के पार्टी कार्यालय से शुरू हुआ और करीब 35 किलोमीटर तक यूं विनेश ने इलाके के लोगों का खुली कार से अभिवादन किया। सफेद सलवार सूट और दुपट्टे में विनेश नामांकन के लिए पहुंची और जींद के लघु सचिवालय में अपना पर्चा दाखिल किया। जींद की जुलाना सीट विनेश के मैदान में आने की वजह से हरियाणा की हॉट सीट बन गई है। मुकाबला कड़ा है? देखिए, मुकाबला मुझे नहीं पता कड़ा है, वो तो लोग बताएंगे। यहाँ की विश्वास करके चल रहे हैं कि हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। जाट बहुल इस सीट पर 2019 में 61,000 वोट पाकर जेजेपी की जीत हुई थी। बीजेपी के परमिंदर सिंह 37,000 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि कांग्रेस 12,000 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रही थी। कांग्रेस विनेश फोगाट को चुनाव मैदान में उतार कर उनके स्टारडम और स्थानीय होने का फायदा उठाना चाहती है, लेकिन ये भी एक सच है कि पिछले 3 चुनाव कांग्रेस इस सीट पर हार चुकी है। बात की जाए 1977 के बाद की, तो कांग्रेस महज 2 चुनाव ही जीती है, यानी साल 2000 में और 2005 में। इसके अलावा जितने भी चुनाव हुए, कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। विनेश से मुकाबले के लिए बीजेपी ने पेशे से पायलट कैप्टन योगेश बैरागी को उतारा। योगेश बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। जाट बहुल जुलाना में बीजेपी ने पिछड़ा कार्ड खेला है। मेरा काम रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी को वहां से जिताना है, उसके लिए पुरजोर मेहनत करूंगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के हाथों के द्वारा नॉमिनेशन दर्ज होगा। जेजेपी ने फिर से अपने विधायक अमरजीत ढांडा को उम्मीदवार बनाया। हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव है और नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.